आज आपने आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट यहाँ पर पेश की, सेवा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में क्या था और आम आदमी की आय बढ़ाने के लिए क्या था? प्रति व्यक्ति आय भी हमारे राष्ट्रीय औसत से न केवल कम है बल्कि प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि की जो दर है वो भी राष्ट्रीय औसत से कम है। इसके कारण से एक गंभीर चिंता का विषय है। क्या भाभी जी से बजट को लेकर कोई बातचीत हुई? क्योंकि महिलाओं का एक बड़ा उनको भी पूरा बजट की रहती है, उसके अलावा और कुछ इसमें विचार विमर्श किया और किस तरह की तैयारियां हैं? हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी यहां मौजूद हैं। कल उनके लिए काफी बड़ा दिन है क्योंकि कल बजट पेश किया जा रहा है और काफी उम्मीदें छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लोगों की भी उम्मीदें उनके साथ में है और आज उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण भी की रिपोर्ट भी यहां पर पेश की। आज आपने आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट यहां पर पेश की, सेवा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में क्या था और आम आदमी की आय बढ़ाने के लिए क्या था? देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुआ है वो आकलन होता है कि पिछले साल की वित्तीय स्थिति में क्या क्या रहा। तो जो छत्तीसगढ़ की GSDP की ग्रोथ रेट है वो 6.56% है जबकि भारत देश की औसत GDP ग्रोथ दर 7.32% है। हम राष्ट्रीय औसत से भी पीछे चल रहे हैं। 5 साल में जो अव्यवस्था फैलाई गई, जो भ्रष्टाचार किया गया, जो माफिया राज चलाया गया, उसका परिणाम आर्थिक विकास पर भी देखने को मिल रहा है। अर्थव्यवस्था भी स्लो डाउन हुई है। प्रति व्यक्ति आय भी हमारे राष्ट्रीय औसत से न केवल कम है बल्कि प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि की जो दर है वो भी राष्ट्रीय औसत से कम है। इसके कारण से एक गंभीर चिंता का विषय है। इस चुनौती का सामना करते हुए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम अर्थव्यवस्था में नए प्रतिमानों को स्थापित करेंगे और नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। कल बजट है और बजट के पहले होता यह है कि आमतौर पर मैं देखता हूं कि आप अपने घर में, अपनी माता जी से, अपने आस पड़ोस में इसको लेकर बातचीत करते हैं। तो क्या भाभी जी से बजट को लेकर कुछ बातचीत हुई? क्योंकि महिलाओं का एक बड़ा उनको भी पूरा बजट की रहती है, उसके अलावा और कुछ इसमें विचार विमर्श किया और किस तरह की तैयारियां हैं? हम सामान्य चर्चा करते रहते हैं बट प्रोफेशन को जनरली हम लोग अपने पर्सनल लाइफ से थोड़ा दूर रखते हैं। फिर भी उससे भी मैं कई विषयों पर सलाह लेता हूं जिससे कई चीज़ें बेहतर हों। कल की क्या तैयारी है, किस तरह का बजट रहने वाला है, क्या क्या उम्मीदें हैं छत्तीसगढ़ की? हम निश्चित रूप से गरीबों पे, किसानों पर, महिलाओं पर, युवाओं पर केंद्रित बजट होगा और इतना कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी को सर्वोच्च स्थान देते हुए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिफॉर्म्स और गवर्नेंस स्थापित करते हुए फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को सुनिश्चित करने वाला बजट होगा। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम एक नई ऊंचाई पर छत्तीसगढ़ को ले जाने का एक रोड मैप और विजन भी कल प्रस्तुत करेंगे बजट के रूप में। चलिए, ये थे ओपी चौधरी और इनका कहना है कि इनका बजट किसानों, महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित होगा, टेक्नोलॉजी पर बजट होगा और इन्होंने इस बात का दावा किया है कि विष्णुदेव साय का जो ये बजट है वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और उनका ये भी कहना है कि अब इनका दावा कितना सही साबित होता है और क्या ये बजट छत्तीसगढ़ के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बजट की तैयारी हो चुकी है और इसको लेकर निश्चित रूप से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बहुत रिसर्च किया है और ऐसा उनका दावा है कि ये काफी छत्तीसगढ़ के लोगों को राहत दिखाएगा। अब जो होगा कल जो है इतने समय तक पता चल जाएगा। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप अपना सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरा कैमरामैन लखन शर्मा को दे इजाजत। नमस्कार।